खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। बारिश और बाढ़ के कारण बर्बादी की जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। चार राज्यों में 183 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। पूरे देश में बाढ़ का तांडव मचा है। गुजरात, केरल और महाराष्ट्र की तीन तस्वीरें देखिए। गुजरात में मोरबी, राजकोट, गोधरा समेत पूरे राज्य में बाढ़ का कहर है, तो वहीं केरल में बाढ़ और लैंडस्लाइड ने सैकड़ों घरों को तबाह कर दिया है। महाराष्ट्र देश का सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है, जहां 190 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ से कर्नाटक, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र में कुल 183 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले केरल में बाढ़ से 72 लोगों की मौत, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में 111 लोगों की मौत। कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र में 6,00,000 लोग घर छोड़ने को मजबूर। केरल में 2,50,000 लोग राहत शिविर में रहने को मजबूर। कर्नाटक में 10,000 करोड़ के नुकसान का दावा। देखिए, कई इलाकों में बारिश जरूर रुक गई है, पानी जो है उसका स्तर थोड़ा नीचे हुआ है, लेकिन लोगों की मुसीबतें अभी भी कम नहीं हुई है। और इस बीच बाढ़ से घिरे इलाकों में एनडीआरएफ और सेना के जवान उन तमाम लोगों के लिए जो वहां फंसे हैं किसी देवदूत से कम नहीं। आप देखिए महाराष्ट्र के सांगली से ये भावुक करने वाली तस्वीरें। ये तस्वीरें हैं सांगली की, जहाँ एक बच्चा सेना के जवान को धन्यवाद कर रहा है और सलाम भी कर रहा है। महाराष्ट्र का सांगली इन दिनों भीषण बाढ़ की चपेट में है। आसमान से ली गई तस्वीरों में देखिए कैसे बाढ़ अपने साथ तबाही का मंजर साथ लेकर आई है। सांगली में भीषण बारिश के बाद बाढ़ से बचाने के लिए जिस तरह से भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीमें लगी हैं, उसने वाकई दिलों को छू लिया है। एक और तस्वीर देखिए, जिसमें भारत माता के जयकारों के साथ सेना के जवानों के भी जयकारे लगाए जा रहे हैं। यही नहीं, सांगली की महिलाओं ने बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए सेना के जवानों को राखियां बांधी, क्योंकि सेना और एनडीआरएफ की टीम सांगली में रेस्क्यू ऑपरेशन में जी जान से जुटी है। महाराष्ट्र की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन हाल बहुत बुरा है केरल में भी। केरल में बारिश ने तबाही मचा दी है। बारिश ने राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड में भी बहुत नुकसान किया है। केरल के वायनाड में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड ने 10 लोगों की जान ले ली। इस वक्त हम वायनाड में मौजूद हैं और मेपाड़ी रीजन में पुत्तुमाला में इस वक्त हम मौजूद है, जहां की अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक मेजर लैंडस्लाइड के कारण तमाम जो यहां पर आशियाने थे वो पूरी तरह से मड में डूब चुके हैं, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। और अब इस रोप के जरिए लोगों को एक शोर से दूसरे शोर जाना पड़ रहा है, और साथ ही क्योंकि लगातार भारी बारिश रिकॉर्ड की जा रही है, और यही कारण है कि तमाम जो रेस्क्यू टीम्स है उनके लिए भी काफी मुश्किल हो रहा है। लैंडस्लाइड की वजह से करीब 20 से ज्यादा घर मलबे में दब गए। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। इस बीच रविवार को राहुल गांधी भी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों का हाल चाल जाना। वायनाड के अलावा राहुल मल्लापुरम भी पहुंचे, जहां बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। मल्लापुरम पे वायुसेना ने मोर्चा संभाल रखा है, लोगों को राहत सामग्री पहुंचा रही है। बाढ़ और बारिश से केरल का बहुत बुरा हाल है। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। गुजरात की बात करें तो यहां पोरबंदर के समंदर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। मछली पकड़ने गए 6 मछुआरों के डूबने से मौत हो गई है। ये गुजरात के पोरबंदर के अरब सागर के तट है, जहां मछली पकड़ने गई 19 नाव में से 3 नाव डूब गई और 6 मछुआरों की मौत हो गई। इस हादसे में 10 मछुआरे अब भी लापता हैं, जबकि एक नाव को कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू कर लिया। ये तस्वीरें गुजरात के ही गोधरा की हैं, जहां एक व्यक्ति अपने साथ साथ सैकड़ों गायों की जान भी जोखिम में डाल रहा है। सड़क पर भरे कई फीट पानी में चरवाहा अपनी गायों को पार करा रहा है।
गुजरात के भुज में भी बाढ़ कहर ढा रही है। भुज में बाढ़ की वजह से करीब 125 लोग सड़क पर ही फंस गए थे, जिसके बाद वायुसेना ने सभी लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल लिया।